ये जो आप एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो यह ITI फीटर ट्रेड का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पेपर कटिंग मशीन। ये जो देख रहे हैं तो यह पेपर कटिंग मशीन का सभी पार्ट्स खुले हुए हैं। और अब हम इन सारे पार्ट्स को असेंबल कर पेपर कटिंग मशीन को तैयार करेंगे। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं तो यह जिनेवा व्हील, तो ये देखिए ये जिनेवा व्हील है। जिनेवा व्हील विथ पेपर रोलर मैकेनिज्म है। ये जो देख रहे हैं पेपर रोलर है। अब हम इसे असेंबल करेंगे, इसे फिर उसके बाद ये जो सेकेंड रोलर है इसे भी यहाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद ये जो आप जिनेवा व्हील देख रहे हैं इसे यहाँ पे टाइट करेंगे और इन सभी को रिंच के द्वारा टाइट कर लेंगे। तो ये जो देख रहे हैं पेपर रोलर है और ये जो देख रहे हैं पेपर रोलर स्टैंड है। ये स्टैंड है और इसी में पेपर रोलर को यहाँ पे सेट किया जाता है। इसके लिए और फिर इसे लॉक कर दिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं यह पेपर गाइड प्लेट है। ये देखिए इसी गाइड प्लेट में से ये जो पेपर है इस प्रकार जाता है। ये जो देख रहे हैं तो यह क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म है। अब हम इसे सेट करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं इसे सेट करने के लिए ये देखिए ये जो चैन देख रहे हैं तो चैन को पहले इसमें डालते हैं और फिर इसे यहाँ पे इस प्रकार रखें। और ये देख रहे हैं इसे Thank you.
और ये हैंडल है, हैंडल को यहाँ पे कसते हैं, फिर रिंच के द्वारा सभी को टाइट कर लें। और ये जो देख रहे हैं यह कैन पिन मैकेनिज्म है, तो इसे अब हम सेट करेंगे। तो इसे, और सबसे पहले ये जो आप चैन देख रहे हैं, चैन के अंदर इसे सेट करें। फिर इसके बाद ये जो पिन है, पिन को इसमें सेट करें, फिर इसे कसते हैं। ये जो देख रहे हैं यह एक पेपर कटर है, और ये जो देख रहे हैं पेपर कटर स्टैंड है, तो पेपर कटर को पेपर कटर स्टैंड में सेट करते हैं। ये देखिए, ये पेपर कटर है और इसका ये स्टैंड है। ये जो देख रहे हैं तो यह बेस प्लेट है, इसी बेस प्लेट के ऊपर इसके सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसे कसते हैं। और इसके बाद जो ये देख रहे हैं तो इसे यहाँ पे ये सेट होगा। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे सेट होगा। फिर ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे सेट होगा। और सभी को नट बोल्ट की सहायता से कस लेते हैं। और ये जो लास्ट में पेपर गाइड प्लेट बचा, इसे यहाँ पे कसते हैं। और ये जो पेपर गाइड प्लेट है तो इसे हम यहाँ पे कसते हैं। और अब हम इसे यहाँ पे कसते हैं। और अब ये जो चैन देख रहे हैं जो कि कटिंग का कार्य करेगा, उसे हम यहाँ पे सेट करते हैं। और इसे फुल टाइट कर लें। और ये जो आप रबर देख रहे हैं तो रबर को यहाँ पे लगाते हैं। और ये जो पेपर देख रहे हैं तो पेपर को पेपर रोलर के बीच में लगाकर इसे
इस प्रकार सेट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पेपर कटिंग मशीन के सभी पार्ट्स आपस में असेंबल होकर एक पेपर कटिंग मशीन तैयार हो चुका है।